सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर तंज, राजीव को भी प्रचंड बहुमत मिला लेकिन डर नहीं फैलाया। दोस्तों, हर छोटी बड़ी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर भी लाइक करें। INX मीडिया केस में आरोपी पूर्व गृह और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को CBI कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने चिदम्बरम को 5 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया। चिदम्बरम पर फैसला आने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नाम लिए बगैर मोदी सरकार पर निशाना साधा। सोनिया ने राजीव गांधी और मोदी सरकार की तुलना की। सोनिया गांधी ने कहा कि 1984 में राजीव गांधी पूर्ण बहुमत से आए थे लेकिन ऐसा डर और भय का माहौल पैदा नहीं किया। सोनिया ने कहा कि राजीव ने कभी लोकतंत्र की हत्या नहीं की, असंवैधानिक संस्थानों को दबाया नहीं, लेकिन आज लोकतंत्र की गला घोट कर देश में डर और भय फैलाया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि जो राजीव गांधी ने किया वो आज तक कोई नहीं कर सकता। राजीव गांधी जयंती के मौके पर कांग्रेस की ओर से समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी शामिल हुई। सभी ने कबीर संगीत पर आधारित कार्यक्रम में भजन गुनगुनाए। इस दौरान राजीव गांधी के विजन को गीत संगीत के जरिए बताया गया। साथ ही मंच पर राजीव गांधी की पेंटिंग बनाकर विलास नायक ने सोनिया गांधी को भेंट की। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि राजीव गांधी ने कठिन समय में देश की बागडोर संभाली थी। राजीव गांधी कहते थे कि शांति लोगों का दिल जीत कर आएगी, न कि बंदूक के दम पर। भारत की अनेकता को उन्होंने सम्मान दिया। असम के छात्र संगठनों के साथ समझौता इसका साक्षात उदाहरण है। राजीव ने हमेशा आम आवाम की आवाज़ सुनी। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक ने कहा कि पी चिदम्बरम के मामले में पूरी कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। इस पर कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक ने कहा कि ये सब राजनीतिक साजिश है, बदले की भावना से चिदम्बरम पर कार्रवाई की जा रही है, सरकार पूरी तरह से बदले की राजनीति कर रही है। दोस्तों, हर छोटी बड़ी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।